दोस्तों, आपके घर में अगर नए मेहमान आए हैं, 100 साल के मेहमान आए हैं या आने वाले हैं, तो मैं कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो अगर आपको मालूम होगा तो हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास आने से बच सकते हो। कुछ बातें होती हैं जो न्यूबॉर्न में नॉर्मल होती हैं। छोटे जो बच्चे, जन्मजात बच्चे होते हैं, वो दिन में सोते हैं, रात को रोते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो माँ के अंदर पेट में अंधेरा होता है, अपन अंधेरे में रह के आए। वहां जब माँ काम करती थी तो अपने जोटे लगते थे, अपन सो जाते थे। माँ रात को सोती थी तो अपन अंदर खेलते थे। बाहर आने के बाद में भी बच्चे का यही शेड्यूल रहता है, वो दिन में तो सो जाता है, रात को रोता है या जगता है या खेलता है। तो उसको ये, उसकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उस हिसाब से ही सेट है। उसको मालूम नहीं है अपने यहाँ दिन रात का, उसके दिमाग में कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए कई बार माँ बाप चिंता में पड़ जाते हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर धरती पे कोई बीमारी होती है ना, वो दिन में भी उतनी होनी चाहिए, रात को भी उतनी होनी चाहिए। अगर बच्चा दिन में एकदम ठीक है तो अगर रात को रो रहा है तो वो नॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि बीमारी अगर कोई होती है तो दिन रात बराबर होती है, केवल रात रात को नहीं होती है। दूसरी बात, कई बार बच्चों, छोटे बच्चे जो होते हैं वो उल्टी कर देते हैं। अपन कभी भी खाना खाने के बाद उल्टी नहीं करते, लेकिन वो उल्टी कर सकते हैं। कौन सी उल्टी नॉर्मल है? अगर बच्चे का रोज 25 से 30 ग्राम वजन बढ़ रहा है, बच्चा दिन में 5-7 बार पेशाब कर रहा है, हर बार दूध पीने के बाद में 2 घंटे सो रहा है, उल्टी हरी नहीं हो रही है, उल्टी बहुत ज्यादा दूर नहीं गिर रही है, माँ के मुंह पे जाके नहीं पड़ रही है, तो वो उल्टी नॉर्मल है। उस उल्टी के लिए डकार दिलाना ही इलाज है, बहुत ज्यादा दवाई देने की उस उल्टी में जरूरत नहीं है। अगर बच्चे का वजन बढ़ रहा है, उबासी ले रहा है, अंगड़ाई तोड़ रहा है, छींक आ रही है, हिचकी आ रही है, तो वो उल्टी नॉर्मल है। तीसरी बात, कई बार छोटे बच्चों की छाती फूल जाती है। क्या हो जाता है बच्चे की छाती फूल जाती है दोस्तों? ऐसे उसके बच्चे की छाती फूल जाती है, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, इसकी कोई दवाई की जरूरत नहीं है, इसका कोई इलाज की जरूरत नहीं है, इसमें ये अपने आप टाइम के साथ ठीक हो जाता है, माँ के हार्मोन्स की वजह से होता है। कई बार दोस्तों, छोटे बच्चे के जो आंवल गिरती है उस पे ये एक मांस सा रह जाता है, इस मांस को अम्बिलिकल ग्रेनुलोमा बोलते हैं। ये जो मांस होता है, ये ज्यादातर अपना जो घर में साधारण नमक होता है वो लगाने से, या डॉक्टर लोग नीला थोता लगाने से ठीक हो जाता है। इसमें कोई ज्यादा दवाई का कोई रोल नहीं होता है, ये मांस या तो वक्त के साथ या नीला थोता लगाने से या नमक से ठीक हो जाता है। चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये होती है बच्चों में सुंडी पे हर्निया होता है। हर्निया क्या होता है दोस्तों? जो बच्चा रोता है तब तो ये सूजन बाहर आती है, जब सो जाता है तो नीचे चली जाती है, और इसको अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। इसमें भी दोस्तों ज्यादातर कोई इलाज की जरूरत नहीं होती है, साल भर का होता है तो बच्चा अपने आप ठीक हो जाता है। डॉक्टर के पास ऐसी कोई दवाई नहीं होती है कि इसको ठीक कर दे, तो वक्त है वो ठीक करता है। इसलिए इसको भी ज्यादातर, अगर आपके पास कोई डॉक्टर पीडियाट्रिशियन के नंबर है, उसको फोटो खींच के भेज दी तो आप उसके हॉस्पिटल विजिट करने से बच सकते हो। आगे वाली जो समस्या बता रहा हूं, सबसे कॉमन समस्या है जिसकी वजह से माँ बाप बड़े परेशान हो जाते हैं, और इस समस्या को दोस्तों इरिदमा टॉक्सिकम बोलते हैं। गूगल पे इरिदमा टॉक्सिकम या ये जो नाम लिखा हुआ है आप पढ़ेंगे ना, तो ये समस्या बहुत नॉर्मल है। आज सुबह मेरी दादी, एक दादी से बात हुई, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा जवाब दिया। एक बच्चे की दादी बैठी थी, तो जो ही इरिदमा टॉक्सिकम मैंने बच्चे को देखा तो मैंने उनको कहा कि माता जी ये इरिदमा टॉक्सिकम है और ये नॉर्मल है, उनको गूगल पे दिखाया तो ये नॉर्मल है, इसकी कोई दवाई की और इलाज की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बहुत सही जवाब दिया मुझे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये इतने 9 महीने तो अंदर अलग वातावरण में था, अब अपनी धरती के वातावरण में आया ना, तो उसको अनुकूलित होने में समय लगेगा, इसलिए ये सब हो रहा है। तो ये दोस्तों नॉर्मल चीज होती है, इसको इरिदमा टॉक्सिकम बोलते हैं, और वो दादी वाली बात है कि इसमें अपने को कोई इलाज की जरूरत नहीं है। सबसे जो पेरेंट्स को डर लगता है दोस्तों वो होता है पीलिया। पीलिया दोस्तों अपना दुश्मन नहीं है, 100 में से 70% बच्चों को पीलिया होता है, और वो अच्छा रहता है, ब्रेन के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, लेकिन कुछ बच्चों में पीलिया के इलाज की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों कौन से लोगों में पीलिया की इलाज जरूरत पड़ती है? जो बच्चा, एक तो वजन बहुत कम है, मान लो 1-1.5 किलो वजन है, माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है, माँ का ओ है बच्चे का ए बी है, या माँ का नेगेटिव है बच्चे का पॉजिटिव है,
तो अपने को पीलिया के बारे में सोचना चाहिए। सबसे जो जरूरी बात इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, हर चीज का कैलकुलेटर होता है, बीएमआई का कैलकुलेटर है, आप ज्यादातर सारी चीजें कैलकुलेट करते हो, ऐसे ही मेडिकल का एक कैलकुलेटर आता है, उसको ओमनी कैलकुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमनी कैलकुलेटर। गूगल पे जाके और इस ओमनी कैलकुलेटर को खोल लो। ओमनी कैलकुलेटर आपसे बच्चे का कितने घंटे का बच्चा यही पूछता है, आपका बच्चा 24 घंटे का, 48 घंटे का, 72 घंटे का या 120 घंटे का, कितने घंटे का यही पूछता है ये कैलकुलेटर। अगर आपने इसमें घंटे भर दिए तो ये अपने आप ही बता देगा कि कितने ग्राम पीलिए पे इसको इलाज की जरूरत है। दोस्तों बहुत सारे डॉक्टरों को भी नहीं मालूम होता है कि कितने ग्राम पीलिए पे अपने को फोटोथेरेपी देनी चाहिए, कितने ग्राम पीलिए पे अपने को उसका खून बदलना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स को, बच्चों के डॉक्टर के अलावा दूसरे डॉक्टर को तो और ही कम मालूम होता है। तो उसका सीधा सा तरीका है, गूगल पे जाके ओमनी कैलकुलेटर पे आप उस पर घंटे डाल दो कि बच्चा कितने घंटे का है, और कोई उसमें रिस्क हैक नहीं है, प्रीटर्म हैक नहीं है, वो सब डालते ही गूगल वो कैलकुलेटर बता देगा कि आपके बच्चे को कितने ग्राम पीलिए पे फोटोथेरेपी की जरूरत है। तो इसलिए आप पीलिए के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लें, और वो रिपोर्ट है अपने किसी पीडियाट्रिशियन को व्हाट्सएप करके और आप उसकी राय ले सकते हैं। एक दोस्तों, कई बच्चे पेशाब करने से पहले रोते हैं और बाद में रोते हैं, ये भी नॉर्मल बात है। अगर पेशाब की धार लड़के की अच्छी आ रही है तो कोई चिंता वाली बात नहीं। अब दोस्तों एक बहुत ही काम की बात बता रहा हूं, कुछ बच्चियां जो जन्मती हैं उनके पेशाब की जगह से खून या ब्लीडिंग होती है, वो एक अच्छा साइन होता है दोस्तों, वो एक अच्छा मतलब एक चीज को कंफर्म करता है। तो उसके लिए भी कोई दिखाने की, आने की, इलाज कराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी छोटी बच्ची के पेशाब की जगह से तीसरे चौथे दिन ब्लीडिंग हो रही है तो वो एक अच्छा साइन है। मेरे पास अभी एक 13-14 साल की बच्ची आई, उसके कपड़े शुरू हो गए लेकिन ब्लड बाहर नहीं आया और पेट फूल गया। मैंने सोनोग्राफी कराई तो मालूम चला उसका जो जिधर से ब्लड आना चाहिए था वो रास्ता बना हुआ ही नहीं था, और डॉक्टर को उसका ऑपरेशन करके बनाना पड़ा। लेकिन अगर किसी बच्ची के जन्म पे ये ब्लीडिंग हो गई, इसका मतलब कंफर्म है कि वो पूरा रास्ता सही बना हुआ है, ये एक गुड साइन है। प्रकृति ने अच्छी चीज दी है, अपने को समझा रही है प्रकृति की मैं ठीक हूं, लेकिन अपन उसको बीमारी समझ के और डॉक्टर को दिखाने आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, घर से ही आप फोटो खींच के भेज सकते हो या पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो वेजाइनल ब्लीडिंग अगर किसी बच्ची के हो रही है तो उसमें कोई दिखाने की, कोई इलाज की जरूरत नहीं होती है, तो इसके लिए आपको आना नहीं।